एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त प्रियंका। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रसिद्ध व रोचक गुरुद्वारों की। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हमारे भारत में कई मंदिर, कई मस्जिदें और कई चर्च तथा कई गुरुद्वारे भी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध व रोचक गुरुद्वारों की। पहला गुरुद्वारा है हरमिंदर सिंह साहिब, पंजाब। अमृतसर का यह गुरुद्वारा भारत के दार्शनिक स्थलों और भारत के प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक है। यह गुरुद्वारा अपनी खूबसूरती की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस गुरुद्वारे को बचाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे का ऊपरी हिस्सा सोने से ढक दिया था। तब से इस गुरुद्वारे को स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह गुरुद्वारा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध एवं सुंदर है। दूसरा गुरुद्वारा है श्री हेमकुंड साहिब, उत्तराखंड। यह गुरुद्वारा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह समुद्र स्तर से 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस जिले में बर्फबारी की काफी समस्या है, इसलिए जिससे कि यात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए इसे अक्टूबर से अप्रैल तक के बीच बंद रखा जाता है। यह गुरुद्वारा सुंदर होने के साथ साथ एक अच्छी वास्तुकला का भी उदाहरण है। तीसरा गुरुद्वारा है हजूर साहिब, महाराष्ट्र। हजूर साहिब सिखों के 5 तत्वों में से एक थे। यह गुरुद्वारा महाराष्ट्र के वांदेड नगर की गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसमें स्थित गुरुद्वारा सचखंड कहलाता है। गुरुद्वारे के भीतर स्थित सभी कमरे अंगीठा साहिब कहलाते हैं। कहा जाता है कि इसी स्थान पर 1708 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया था। महाराजा रणवीर सिंह के आदेश के बाद इस गुरुद्वारे का निर्माण 1832 ईस्वी से 1837 के बीच हुआ। चौथा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा पंचवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश। पंचवटा गुरुद्वारा 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। यह गुरुद्वारा हिमाचल के तिरमोर जिले में स्थित है। इस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 4 साल गुजारे थे और इसी जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने 10 ग्रंथों की रचना की थी। इस गुरुद्वारे में एक संग्रहालय है जो गुरुओं के उपयोगी कलम और अपने समय के हथियारों को दर्शाता है। पांचवा गुरुद्वारा है शीशगंज गुरुद्वारा, दिल्ली। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली का सबसे ऐतिहासिक और प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर और उनके अनुयायियों को समर्पित है। इसी जगह पर गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा सुनाई गई थी जब उन्होंने मुगल बादशाह के इस्लामिक धर्म को ठुकरा दिया था। यह गुरुद्वारा 1930 ईस्वी में बनवाया गया था। छठा गुरुद्वारा है फतेहगढ़ साहिब। यह गुरुद्वारा पंजाब के फतेहगढ़ जिले में स्थित है। 1704 ईस्वी में साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को फौजदार वजीर खान के आदेश पर उन्हें इसी जगह पर दीवार में जिंदा गड़वा दिया गया था। उन्हीं की शहादत की याद में यह गुरुद्वारा बनवाया गया था। इस गुरुद्वारे की मुख्य विशेषता सिखों के गुरुद्वारे की वास्तुकला है, जिसमें सफेद पत्थर की रचना और स्वर्ण गुंबद स्थित है। सातवां गुरुद्वारा है तख्त श्री दमदमा साहिब, पंजाब। दमदमा का अर्थ स्वास्थ्य या आराम करने का स्थान है। दमदमा साहिब सिखों के 5 तत्वों में से एक है। यह पंजाब के बठिंडा से 28 किलोमीटर दूर गच्छनपुर के तटवंडी सभोपुर गांव में स्थित है। मुगल अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी यहां आकर रुके थे। इसी वजह से इसे गुरु के काशी के रूप में भी जाना जाता है। आठवां गुरुद्वारा है गुरुद्वारा बंगला साहिब, दिल्ली। दिल्ली के मध्य स्थित बंगला साहिब की जगह पहले राजा जय सिंह, बाद में इस गुरुद्वारे को श्री गुरु हरकिशन जी के नाम पर बदल दिया गया था। शुरुआती दिनों में इसे जयसिंह पैलेस के नाम से जाना जाता था और बाद में इसे बंगला साहिब का नाम दिया गया। ये थी ऐसे न्यूज की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप तक पहुँच सके हमारी हर खबर और हर वीडियो सबसे पहले।